जाने के बाद जो है देश का किसान गुलामी की ओर जाएगा और ऐसे हालात होंगे जैसे 43-44 के बंगाल के अकाल में देश में ईस्ट इंडिया कंपनी अनाज की खरीद करती थी, देश में पर्याप्त अनाज था लेकिन 40 लाख लोग भूखे मरे। के कब्जे कराने के रास्ते खोल दिए हैं, इस देश के सारे संसाधनों की नीलामी करते हुए मोदी सरकार की नज़र अब भारत की खेती पर है, किसानी पर है, कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल की भी नज़रें इस खेती किसानी पर है। दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श के लिए मैं डॉक्टर रविंद्र राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ देश भर के किसान लामबंद हो रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर डेमोंस्ट्रेशन हुआ और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से दिल्ली जा रहे किसानों को दोनों ही बॉर्डर पर रोक लिया पुलिस ने और वहां जाने नहीं दिया। काफ़ी हंगामा इसको लेकर हुआ और सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके पति सुखवीर सिंह बादल ने पिछले दिनों जब किसान मुखर हुए थे इन 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब में, तो बादल ने कहा था कि उनके लिए मंत्री पद जो है किसानों से बढ़कर नहीं है, तो तभी ये माना जा रहा था कि शायद हरसिमरत कौर बादल बाहर हो जाएंगी मंत्रिमंडल से। लेकिन इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा और कहा कि ये जो बिल आप 3 लेकर के आए हैं ये किसानों के हक में नहीं है, इनको वापस लीजिए, इनको लागू करना किसानों की बर्बादी का दस्तावेज लिखना होगा। तो इसके बाद पंजाब में अकाली दल को लगा, चूँकि वहाँ विधानसभा चुनाव यूपी के साथ होने हैं, 1.5-2 साल का समय बचा है, ज़्यादा वक्त अब नहीं है, तो उनको लगा कि अगर जहाँ हम सियासत करते हैं वहीं ज़मीन खिसक जाएगी तो फिर केंद्र की सियासत का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए अकाली दल को तुरंत जो है ये स्टेप लेना पड़ा और कल ही ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन दी हरसिमरत कौर बादल ने खुद ही कि उन्होंने किसानों के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो पहले हम जानते हैं उन 3 बिलों को जिन पर पूरे देश का किसान इस वक्त लामबंद है। सरकार का कहना यह है कि वो पहला बिल लेकर आए हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस यानी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इस बिल का मतलब ये है कि पूरे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वन नेशन वन मार्केट की थ्योरी होगी, यानी किसान या व्यापारी अपना माल पूरे देश में कहीं भी ले जा करके बेच सकेगा, वो ये देख सकेगा कि कहाँ पर रेट ज़्यादा है और वहीं जा करके वो अपना सामान बेच सकेगा। तो केंद्र सरकार कहती है इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान मार्केट में अपना सामान उस जगह पर ले जा करके बेच सकेगा जहाँ पर रेट ज़्यादा है, लेकिन किसान इसमें नुकसान देख रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे मंडी एक्ट जो है वो प्रभावहीन हो जाएगा और मंडियां जब प्रभावहीन हो जाएंगी तो किसान के पास ये क्षमता नहीं है कि वो अपने माल को दूसरे प्रदेशों में ले जा करके बेच सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी एक कॉस्ट होती है और भारत में जहां 80% से ज़्यादा किसान छोटी जोत का है जो आजीविका के लिए खेती करता है और उसका माल खेत से बिचौलिए खरीद करके मंडी तक ले जाते हैं, वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का किसान, मेरठ का किसान बिहार के पटना में जाकर के माल बेच सके या गुजरात के अहमदाबाद में ले जाकर के माल बेच सके। ये काम तो बड़े बड़े कारपोरेट हाउस ही कर सकते हैं। तो किसान नेताओं का ये तर्क है कि ये छूट कारपोरेट को दी गई है और बड़े बड़े जो कारपोरेट ग्रुप्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, उस सेक्टर में काम करते हैं, वो बड़े पैमाने पर कालाबाजारी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर स्टोरेज करेंगे वो चीज़ों का और दूसरी जगहों पर, महंगी जगहों पर ले जा करके बेच सकेंगे। तो ये किसानों का कहना है। किसान ये भी कहते हैं कि जो ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस है इसका मुख्य मकसद है मंडी व्यवस्था को खत्म करना, कृषि उपज विपणन समितियों को खत्म करना जिसको APMC कहते हैं, उनका एकाधिकार खत्म करना और कृषि प्रोडक्ट को खरीदने बेचने की खुली छूट देना। इससे व्यापारियों की मनमानी बढ़ जाएगी और वो औने पौने दाम में किसानों की फसल खरीदेंगे, क्योंकि किसानों के पास कोई विकल्प नहीं होता और स्टोरेज करने की स्थिति में वो होते नहीं हैं। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है केंद्र सरकार का वो है एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव, यानी इसमें जो अनाज दलहन तिलहन है उनको एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो सूची है, जो अनिवार्य वस्तुओं की, आवश्यक वस्तुओं की जो सूची है उससे हटा दिया गया है। और इसको हटाने का मतलब ये होगा कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने ढंग से स्टोरेज कर सकेंगे चीज़ों का। अभी तक
बाजार में कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार एक लिमिट से ज़्यादा किसी को स्टोर नहीं करने देती है। अगर कोई करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो अब भविष्य में सरकार ये छूट देने जा रही है उनको कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से स्टोरेज कर सकते हैं। तो किसान ये कहते हैं कि इसका कोई लाभ किसान को नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान इस क्षमता में नहीं होता है कि वो स्टोरेज कर सके। उसको तो अपना माल पैदा करते ही मार्केट में सेल करना होता है, क्योंकि वो साल भर से उसमें इन्वेस्ट कर रहा होता है, खेती में लागत लगा रहा होता है और साल भर बाद उसको पैसा मिलना होता है। तो ये किसानों का तर्क है, जबकि सरकार का तर्क ये है कि किसान अपने पास स्टोरेज कर सकेगा और जब मार्केट अच्छा होगा तो वो बेच सकेगा। तो ये कंट्राडिक्शन है इस बिल को लेकर। तीसरा जो बिल है वो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस है। ये जो तीसरा ऑर्डिनेंस है ये वकालत करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। वो ये अनुमति देता है मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो मार्केट में आकर के हमारे यहाँ खेती करें, कॉन्ट्रैक्ट करें किसानों के साथ बेहतर फसलों के लिए। और सरकार का ये दावा है कि जो किसान ऊंचे दामों वाली फसल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त तकनीकी नहीं है, बीज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो वो इन संसाधनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीनेशनल्स के साथ, कारपोरेट समूहों के साथ। वो उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो उनकी फसल परचेज करेंगे और महंगे में मार्केट में ले जा करके बेचेंगे, तो इससे किसानों को एक बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ किसान नेताओं का तर्क ये है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान इन कारपोरेट समूहों का मजदूर बन करके रह जाएगा। वो अपने हिसाब से बीज का दाम तय करेंगे, अपने हिसाब से फर्टिलाइजर्स के दाम तय करेंगे और जो किसान की फसल खरीदेंगे उस फसल का दाम वो अपनी मर्जी से तय करेंगे। तो किसान की हैसियत ऐसे में एक मजदूर से ज़्यादा नहीं होगी और किसान उनके चंगुल में फंस करके बर्बाद हो जाएगा। किसान ये भी कहते हैं कि सरकार ने इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई बात नहीं की है। सरकार चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी जाए। अभी देश में सिर्फ चंद फसलों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, अधिकांश फसलों के दाम सरकार तय नहीं करती है। तो जिन फसलों, किसानों का ये कहना है कि जिन फसलों के दाम सरकार तय नहीं करती है उन फसलों को मार्केट में बिचौलिए कोड़ियों के भाव खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, बाजार में तेजी आने पर उनसे अच्छा मुनाफा कमाते हैं और किसान को इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो किसान को चाहिए कि जैसे वो गन्ने का, गेहूं का, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, वैसे ही देश की सारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे और ये सुनिश्चित करे कि मार्केट में किसान को वो मिल जाए। तो किसान इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रहे हैं और इस वक्त पंजाब की सरकार किसानों के फेवर में खड़ी हो गई है, क्योंकि पंजाब किसान बहुल प्रदेश है और एडवांस खेती का जो मॉडल, सबसे एडवांस खेती का जो मॉडल देश में है वो पंजाब में है और पंजाब का किसान इस वक्त सड़कों पर है। इसी दबाव के चलते केंद्र की सरकार में शामिल अकाली दल की जो नेता हैं, सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, वो मोदी कैबिनेट से बाहर हो गई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यूपी में भी किसान इसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा में हमने देखा कि किस तरह से किसान एकत्र हुए और वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, किसानों और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बन गई। तो ये ऐसा वक्त है कोरोना पीरियड के बाद में जब पहली बार पूरे देश का मजदूर सड़कों पर था, घर लौटते वक्त तो वो परेशानी का सबब बना था सरकार के लिए, और इस वक्त किसान आंदोलन की राह पर है और नौजवान भी आंदोलन की राह पर है, वो बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन अंततः बहुत सारे उनमें किसानों के बेटे ही हैं। तो किसान इस समय इस संकट को कैसे देख रहा है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ किसान नेताओं की बात आपको सुनवाते हैं और देखिए क्या कह रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। अब कोई भी व्यापारी कितना भी माल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है, कोई उसकी चेक लिमिट, वो कितना भी खरीद लो कोई उसकी लिमिट नहीं है। इससे क्या होगा कि जब महंगाई बढ़ेगी वो शॉर्टेज दिखाकर महंगाई बढ़ाकर उसको अपना बेचे, उससे कंज्यूमर भी मरेगा, उससे किसान भी मरेगा। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मेरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों से बात थी, यहाँ पे अलीगढ़ के लोग यहाँ पे होंगे, अलीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला चल रहा है, उनसे हमारी बात है। उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट रेट का नहीं करते,
जो उस टाइम पे वहां का बाजार भाव होगा उससे हम थोड़ा सा 100 रुपया क्विंटल ज्यादा देंगे। भैया कौन सी बात होगी, आप कॉन्टेक्ट ये बोलेंगे कि हम आपका धान आप जो बोगे धान गेहूँ गन्ना चावल वो भी जो आप बोगे हम इस रेट में खरीदेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि जो बाजार भाव होगा उस टाइम का उसको देख कर हम थोड़ा सा उसको महंगा खरीदेंगे, ये हमारा कॉन्टेक्ट है। ये तीनों कॉन्टेक्ट जो है ये देश के किसानों को बर्बाद करेगी। आज आप अभी हाईवे निकल रहे हैं इस हिसाब से फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में भी आपके आंदोलन चल रहा है, उन्हें बड़ी अच्छी मांग उठाई गाजियाबाद वालों ने, उन्हें कहा कि वन प्रोजेक्ट इज वन रेट। अगर प्रोजेक्ट लैंड टू पर्पज अगर भूमि का पर्पज एक है तो उसका रेट भी एक होना चाहिए। और ठीक आवाज है, हम जी जो 3 दिन यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे गाजियाबाद के किसान। तो जो आपके जो सवाल है, हमारा सवाल यह है कि जो अध्यादेश आ रहे हैं इन अध्यादेश में किसान को सुना नहीं गया। लॉकडाउन में वो बिल लेकर आए हैं, आज उनको पास कर रहे हैं। अभी जो 15 दिन जो पार्लियामेंट सेशन चलेगा इसमें कोई पार्लियामेंट का मेंबर पार्लियामेंट इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता। नेता सरदार वीएम सिंह के पास चलते हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में। ये फैसला किया है देश के अलग संगठनों ने फैसला किया है कि जो मोदी जी ने 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं कॉर्पोरेट को लाने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, उस किसान को जिसने कोरोना के अंदर देश की सेवा करी, कोरोना में देश को खिलाया, उसको बर्बाद करने के लिए 3 अध्यादेश लेके आ गए और बिल लेके आ गए बिजली का और डीजल, हमने उन्होंने हमारा डीजल बढ़ा दिया और 20 लाख करोड़ में एक पैसा नहीं दिया किसानों को, केवल बोलते रहे। आज भी सुना है मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने सम्मान योजना की 6ठी किश्त दे दी। अरे कभी कभी कहते हो कि अधिकारियों को मैंने हर महीने का फिर गिनती कराते हो क्या? किसान को क्यों गिनती कराते हो, क्यों जलील कराते हो? तभी तो किसान आत्महत्या करता है। आत्मनिर्भर की बात करते हो। दोस्तों किसानों का ये कहना है कि मोदी सरकार जब 2014 के चुनाव में आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि 2022 तक वो किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। अब किसानों का कहना है कि आमदनी दोगुना करना तो दूर, जो आमदनी उनको हो रही थी कोरोना के पीरियड में तो उस पर भी खतरा मंडरा गया है। बड़े पैमाने पर देश भर में किसानों का कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स को मंडियों तक पुलिस ने नहीं जाने दिया। जब लॉकडाउन का शुरुआत का पीरियड था वो लगातार जूझते रहे पुलिस से, वो जूझते रहे कोरोना से और सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर के शहरों तक मार्केट तक गए और वहाँ अपना माल बेचा और ये सप्लाई चेन बनाए रखी। सरकार भी ये मान रही है कि देश की जीडीपी में जो -23% की जो गिरावट आई है उसकी वजह से जो संकट पैदा हुआ है उसमें किसान ही ऐसा सेगमेंट है कहीं ना कहीं जिसने अर्थव्यवस्था को ताकत दी है और संभालने की कोशिश की है। और हमारे तमाम अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर देश को बचाने का काम कहीं ना कहीं किसानों ने ही किया है, रूरल इकोनॉमी ने किया है, छोटी बचतों ने किया है और किसान के प्रयासों ने किया है। तो किसानों का यह तर्क है कि इन्हीं किसानों को सरकार इन 3 बिलों के जरिए तबाह कर देना चाहती है, बर्बाद कर देना चाहती है और उनको कारपोरेट के हाथों की कठपुतली बना देना चाहती है। किसान कहते हैं कि ये जो अध्यादेश आए हैं इसमें उनसे ये अधिकार छीन जाएगा कि सरकार उनकी फसलों के दाम तय करे, कारपोरेट हाउस अपने हिसाब से मनमर्जी से भाव तय करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए मनमर्जी के दामों पर उनको बीज और खाद देंगे, मनमर्जी के दामों पर फसल खरीदेंगे और उसको स्टोर करेंगे अनलिमिटेड, और उस स्टोरेज से मार्केट में जो कमी आ जाएगी खाद्य पदार्थों की उससे मार्केट में एक फेक तेजी लेकर के आएंगे और जब तेजी आ जाएगी तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। यानी वो कारपोरेट हाउस इस हैसियत में होंगे कि वो मार्केट में कृषि उत्पादों के मार्केट में अपनी मर्जी के मुताबिक तेजी और मंदी लेकर के आ सकें। वो इसको मान रहे हैं ऐसे ही जैसे शेयर मार्केट में कई बार फर्जी उछाल और फर्जी गिरावट फेक तरीके से क्रिएट की जाती है। तो किसान नेताओं के इस तरह के तर्क हैं और सरकार के तर्क हैं कि इससे वन नेशन वन मार्केट होगा, पूरे देश में किसान कहीं भी ले जाकर के अपनी फसल बेच सकेगा, महंगी जगहों पर बेच सकेगा। तो किसान कहता है कि वो आज अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर की मंडी तक ही सामान ले जाकर बेचने की स्थिति में नहीं है, वहां भी बिचौलिया उसका माल ले जाकर के बेच रहा है। तो सरकार को चाहिए था कि इस बिचौलिए के सिस्टम को खत्म करती और उनके हितों का संरक्षण करती, चूंकि वो लगातार
इकोनॉमी को स्ट्रोंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा खास तौर पर कि भारत कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी यहाँ गाँवों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर। तो इस कोरोना के पीरियड के बाद और इन बिलों के बाद अगर खेती में इस तरह के बदलाव आते हैं जैसा किसान कह रहे हैं तो ये वास्तव में देश के लिए चिंता की बात होगी। और इस संकट से सरकार आने वाले वक्त में कैसे निपटेगी ये देखने वाली बात होगी, ये बड़ी चुनौती होगी। फिलवक्त इतना ही, आगे देखते रहिए सत्ता विमर्श, बेहतरीन खबरों के लिए, अलग विश्लेषण के लिए और सियासत से जुड़े मसलों के लिए।